वेलकम टू द सेंटर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। आज से हम टेंस की शुरुआत करेंगे। अब टेंस में हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ेंगे और प्रेजेंट इंडिफिनिट में जितना भी डिटेल्स हैं वो सब हम देखेंगे। टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस, काल के प्रकार, तीन प्रकार के टेंस हम पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। और इन प्रत्येक टेंस के चार भेद होते हैं। फर्स्ट आप देखें, ए इंडिफिनिट, बी कंटिन्यूअस, सी परफेक्ट एंड डी परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आज हम पार्ट फर्स्ट देखेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसमें हम कहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं? कार्य वर्तमान में सामान्यतः होता है, कर्ता के स्वभाव या आदत को व्यक्त करने के लिए होता है। इस प्रेजेंट टेंस का यूज सब्जेक्ट के नेचर और हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। सेकंड है, जो चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ हों, ये यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे सिद्धांत हों, प्रिंसिपल्स एवं स्थायी कार्य, परमानेंट एक्टिविटी आदि को एक्सप्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। फिर है थर्ड, भविष्य में होने वाले निर्णय, कार्यक्रम या शर्त को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। चलिए सीखते हैं प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है। क्रिया के अंत में या हम वाक्य के अंत में कहें, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ये आदि आते हैं, तो आप समझिए ये प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं। यहाँ हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, प्लूरल पर्सन प्लूरल में वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू और प्लूरल में भी यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट या किसी का नेम हो सकता है, लाइक दैट राज, मधु एंड बॉयज, प्लूरल दे या फिर द बॉयज। कुछ रूल्स भी आपको सीखना पड़ेगा। यहां पर हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज का प्रयोग होगा, और डू और डज का प्रयोग कहां पर होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होगा, निगेटिव सेंटेंस में होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा, है ना, क्वेश्चन प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा, या फिर क्वेश्चन प्लस निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब मिक्स सेंटेंस होते हैं वहाँ पर भी डू एंड डज का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी डू एंड डज का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करते हैं। प्लूरल देख लीजिए, बी यू दे, यहाँ पर डू का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आई, सिंगुलर सब्जेक्ट सेकंड ही, सी, इट, राज, मधु, जितने भी नाम होंगे इनके साथ डच का प्रयोग होगा। ओके, आई लेकिन यहाँ फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ डू का प्रयोग होगा और यू के साथ भी डू का प्रयोग होगा। ध्यान रखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। लेकिन थर्ड पर्सन अगर हो तो उस वर्ब के साथ एस या ईएस कुछ नियमानुसार हम जोड़ेंगे। चलिए चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जब थर्ड पर्सन हो तो एस ई एस एंड आई एस उसको चेंज करेंगे वर्ब के। फिर है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो आपको स्टार्ट करनी है सब्जेक्ट से, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट यदि ही, सी, इट और किसी का नेम आता है तब हम वर्ब को एस या ई एस में चेंज करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। वह खेलता है, ही प्लेज, वर्ब ही है, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, वह है, इसलिए यहाँ पर वर्ब में एस जुड़ेगा। ही प्लेज, वह गांव जाती है, ही, सी, इट, यहाँ पर भी ये थर्ड पर्सन है इसलिए सिंगुलर थर्ड पर्सन, इसलिए यह है सी गोज टू विलेज, सी गोज टू विलेज, यहाँ पर भी हम गो के साथ ई एस। लोकेश
खाता है। लोकेश ईट्स, कोमल नाचती है, कोमल डांसेस। सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई वी यू दे, तब सिर्फ वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलिए देखते हैं एग्जांपल, मैं दौड़ता हूं, आई रन। यहां देखिए आई वी यू दे, इनके साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। आई रन, हम लोग पढ़ते हैं। वी रीड, तुम खेलते हो। यू प्ले, वे खेलते हैं। दे प्ले, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। आई रीड अ बुक। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। गाय घास खाती है, द काउ ईट्स ग्रास। मेरी बहन फुटबॉल खेलती है, माई सिस्टर प्लेज फुटबॉल। मेरी बहनें फुटबॉल खेलती हैं, माई सिस्टर्स प्लेज प्ले फुटबॉल। जहाँ पर प्लूरल होगा वहाँ पर हम वर्ब के साथ एस या एस नहीं जोड़ते। उसका भाई दौड़ता है, हिज ब्रदर रन्स। उसके भाई दौड़ते हैं, हिज ब्रदर्स रन। देखिए यहाँ पर उसके भाई दौड़ते हैं, प्लूरल में है हिज ब्रदर्स, कई भाई होंगे इसलिए वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तुम खेलते हो, यू प्ले, मैं खेलता हूँ। आई प्ले, वह खेलता है, ही प्लेज। चलिए अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहता हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहता हो, तब डज नॉट का प्रयोग करते हैं, एवं इसके अलावा अन्य के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं, और जो मेन वर्ब होगा उसमें एस या ईएस नहीं लगाते। सेंटेंस देखिए, वह नहीं लिखती है, सी डज नॉट राइट। लोकेश नहीं खाता है, लोकेश डज नॉट ईट। मैं नहीं दौड़ता हूँ, यहाँ पर आई वी यू दे डू नॉट यूज होगा। आई डू नॉट रन, आई डोंट रन। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वी डोंट रीड, वी डोंट रीड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उसको स्टार्टिंग में यूज करते हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या वह लिखती है, डज सी राइट। क्या लोकेश खाता है, डज लोकेश ईट। क्या मैं दौड़ता हूँ, डू आई रन। क्या हम लोग पढ़ते हैं, डू वी रीड। क्या वे खेलते हैं, डू दे प्ले। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जहां पर प्रश्न और नेगेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर सीखिएगा, डू एंड डज स्टार्टिंग में यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर नॉट यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखते हैं सेंटेंस, क्या वह नहीं लिखती है, डज सी नॉट राइट। क्या लोकेश नहीं खाता है, डज लोकेश नॉट ईट। क्या मैं नहीं दौड़ता हूँ, डू आई नॉट रन। क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं, डू वी नॉट रीड। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड में जो डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, लाइक दैट व्हाई, क्यों, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाट मीन्स क्या, व्हिच मीन्स कौन सा, हूज मीन्स किसका, हु मीन्स कौन, whom means किसको। इसमें आप स्ट्रक्चर देखिए, डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। तुम कब दौड़ते हो, व्हेन डू यू रन। वह क्यों जाता है, व्हाई डज ही गो। क्या वह लिखती है, व्हाट डज हिज सी राइट। उसके दोस्त कैसे नहीं हंसते हैं, हाउ डू हिज Friends not love. Please like, share and subscribe my channel. Thanks you.